वजी हाँ आप बताइएगा कि आपने इतनी कम एज के अंदर आईटी के हवाले से चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया और अब आप, आप ट्रेन भी करती हैं बहुत से लोगों को तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनका इस हवाले से क्या फ़ीडबैक रहा या उन्होंने किस अंदाज के अंदर आपको गाइड किया या किस अंदाज़ के अंदर आपको फैसलीटेट किया कि आप तमाम चीज़ें कर सकें देखिए सबसे पहले मेरा यहाँ तक आने का सबसे बड़ा हाथ जो है मेरे बाबा का है और मैं अपने बाबा का सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और अपनी मामा का उन्होंने इतनी कोशिशों से जो है हमें यहाँ तक लेकर आए और मतलब जब एक बच्चा आगे जा रहा होता है मुख्तलिफ़ रिलेटिव्स के भी जो है इश्यूज आते हैं मुख्तलिफ़ रिलेटिव्स भी ऑब्जेक्शन्स करते हैं और उन्होंने उन सबको फ़ेस करके जो है हमें यहाँ तक पहुँचाया और फिर उसके बाद जो हमारे बाबा भी इसी फील्ड में थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे गाइड किया और जिस जगह मुश्किल आई और मतलब कि मैं जो हूँ सोशल मीडिया पे मैं कैमरे के सामने बोलते हुए भी हेज़िटेट फील करती थी और मतलब झिझकती थी बात नहीं होती थी कैमरे के आगे भी बट मेरे बाबा ने फिर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा किया कि नहीं आप बात कर सकते हो आप जो है कर सबके आगे आ सकते हो आपने दूसरों को भी जो है बताना है आपने कुछ करके दिखाना है आगे आना है और देन फिर मेरे अंदर जो है एक होप पैदा हुई और फिर जो है मैंने अपना एक माइंडसेट बना लिया कि बस अब तुमने करना है तो फिर देन आहिस्ता आहिस्ता मैंने दिन रात एक करके अब अपना कैनवा कोर्स सबसे पहले कंप्लीट कर लिया और ग्राफिक डिजाइनिंग का सारा कोर्स सबसे पहले कंप्लीट कर लिया अपने पूरे इंस्टीट्यूट में तो बहुत अहम अंदाज़ है एक तो देखें पेरेंट्स की इस हवाले से इन्वॉलमेंट बहुत लाजिम है और दूसरा बच्चे के अंदर जब शौक पैदा हो जाता है तो फिर बहुत जल्दी और बहुत रेपडली तमाम तो तरह चीज़ों को वो सीखता है और ये एक ऐसा अंदाज है जिसको हम अपना के आज अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है वो अब ये नहीं सोचेगा कि मेरी एज कम है तो मैं अर्निंग्स नहीं कर सकता लेकिन अगर उसके पास स्किल सेट है और चीज़ों को प्रॉपरली कर सकता है तो वो एक अच्छे अंदाज के अंदर अपनी अर्निंग्स भी कर सकता है और अपने घर बैठ के तमाम तर सर्विसेज़ जो है वो अपनी सेल आउट कर सकता है और इसके अंदर सबसे अहम जो आपने बात कॉन्फिडेंस लेवल के हवाले से कोई भी चीज जब आप सेल आउट करना चाहते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस बहुत लाजिम है और इंसान जब स्किल्स सीख लेता है तो फिर यकीन उसके अंदर एक स्किल सीखने की वजह से भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूं तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आज ये मुआरे के अंदर बहुत लाजिम है और जो पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं जिया को देख रहे हैं वो लाजमी तौर पर अपने बच्चों को छोटी छोटी एज ही के अंदर इन तमाम तरह चीजों से आरास्ता करें आज मोबाइल फोन हर बच्चा यूज करता नजर आता है कोविड नाइन्टीन के बाद तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या इससे बिलो क्लासेस क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पे जो है वो मोबाइल फोन यूज करते हमें नजर आते हैं तो अब इन तमाम चीजों को अच्छे अंदाज में कैसे यूज किया जा सकता है जस्ट एक माइंड सेट डिवेलप करने की जरूरत है और एक अच्छा मुआरा जो है वो जन्म ले सकता है आज अगर वजीहा की तरह तमाम ही स्टूडेंट्स आज ही से आगाज करें तो यकी आने वाले दस से बीस साल के अंदर हम देखेंगे कि जो जॉब्स का फुकतान का रोना रोते नजर आते हैं लोग तमाम चीज़ें करते नजर आते हैं लोग तमाम तरह लोग स्वाइप कर जाएंगे और एक ऐसा मुआरा जन्म गा जिसकी पूरी दुनिया के अंदर तारीफ की जाएगी